मेरे प्यारे दोस्तों, बुजदिल इंसान, कायर, भाग्य भरोसे जीने वाला, दूसरे का मुंह ताकने वाला, अपनी मदद करने वाला नहीं, हमेशा सोचता है कि दूसरे मनुष्य उसे बहुत ही ज़्यादा समझदार है, शक्तिशाली है, पराक्रमी है, यशस्वी है, वीर है, लेकिन वो मनुष्य की पार्श्विकता है कि वो अपने आप को कमज़ोर समझता है और दूसरों के लिए ताली बजाता है। मैं फ़कीर योगी वेंद्र योगी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी शक्ति को समझा है और विश्व के जितने भी महान व्यक्ति हैं उनकी शक्तियों को समझा है। अब यह है कि हमारी शक्ति कितने प्रयोग में लाए गए, हमने कितने बड़े बड़े लक्ष्य रखे, और हम सभी एक ही कार्य नहीं कर सकते। राइट ब्रदर्स ने प्लेन दिया, हेनरी फोर्ड ने आपको मोटर कार दिया। सक्सेस फिलोसोफर जितने भी दुनिया में हुए, एंड्रू कार्नेगी हो, नेपोलियन हिल हो, सक्सेस फिलॉसफी दी है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए तरह तरह के, जो तरह तरह के अनुसंधान से आपके जीवन में रोशनी लाए। तो हमको भी चाहिए कि हम अपनी शक्ति को समझें, अपनी आस्था विश्वास को कायम रखते हुए अपने जो हमारी प्राकृतिक विचार हैं, जो हमको खींचता है अपनी तरफ, उसकी तरफ जाना चाहिए। बिना समय का बर्बादी किए हुए दिन रात मेहनत कठोर करके हम अपने आप को उजागर करें। दूसरों के गुणगान करने वाले तो भिखारी होते हैं, मुंह ताकते हैं, बोलते हैं वो बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ये हीनभाव ही लोगों को कमज़ोर कर देता है। लेकिन ये फकीर योगी वेंद्र योगी कभी भी बुद्ध और विवेक से कम नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि मैंने जो चाहा वो पाया, जितनी मेरी शक्ति थी उतना मैंने किया, और जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ मैं बहुत खुश हूँ। कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये ज्ञान मुझे बहुत अंत में मिला, जबकि मैं 95 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ। अगर ये ज्ञान मैं बच्चों को दे दूँ जो 5, 10, 15 साल के हैं, और उनको विश्वास मेरी तरह हो जाए, तो दुनिया की कोई भी दूरी जिसे वो पार नहीं कर सकते, दुनिया की कोई भी ऐसे लक्ष्य जो सोचे और वो कामयाब हो नहीं सकते। तो डियर प्रिय दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और ज़िंदगी में कुछ करने को तैयार होइए। लेकिन अगर मैं एक कविता पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि जो वीर लोग होते हैं उनके खास गुण होते हैं, और वो गुण आप अपने आप में लाइए और आप काबिल बन जाइए, कामयाब इंसान बन जाइए, कमज़ोर नहीं हो सकते आप, कि इतना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। और दूसरे के ताली बनाना बंद करो, शर्म करो, अपनी शक्ति का एहसास करो, अपने आप को ये साबित कर दो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा, नकल नहीं करूंगा, मैं अपनी आप की तरह बनूंगा, क्योंकि मैं हूं, मैं विलक्षण हूं, मैं सबसे अलग हूं। तो प्यारे दोस्तों, ये कविता मैं पढ़ के सुनाता हूं, और आप इसको अगर सुनिए, समझें और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मर्जी आपकी। लेकिन ये कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप इसको पढ़िए और जो मैं सुना रहा हूं उसको सुनिए। देख कर बाधा विविध वो विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, वीर में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। इसकी गंभीरता को समझिए, भाग्य भरोसे मत जियो, कर्मवीर बनो, लक्ष्य निर्धारित करो, कठोर परिश्रम करो, भाग्यरथी प्रयत्न करो, आत्मविश्वास सबसे बड़ी धरोहर शक्ति है तुम्हारी, दूसरों की तरफ मुड़ के मत देखो, करो या मरो की भावना से आगे बढ़ते चलो, विश्व विजयी हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, ये मेरा बिल्कुल दावा है, लेकिन तुमको ये सोचना और समझना है, और जो मिल जाए उसमें खुश रहो। यार, तुम इतना ही करने के लिए पैदा लिए थे, प्रकृति के पुत्र तुम, भाग्य भरोसे मत जियो, बाहरी शक्ति पर भरोसा मत करो, अपनी आप की मदद करने में विश्वास करो, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, सोचोगे कुछ कहोगे तब तो कुछ करोगे ना, सोचने का मतलब है लक्ष्य, सपने देखो, सपने उद्यम करो, लेकिन मनोरथ तो पहले होने चाहिए ना, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, देख लो। लेकिन क्या करोगे, बहुत भिखारी
दुख भोग पछता रहे हैं, मुसीबत में हैं, काय डरपोक, शर्म करो शर्म करो। प्रकृति ने कभी भी विभेद नहीं किया, हर मनुष्य को बराबर शक्ति दी, मस्तिष्क की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, कल्पना की शक्ति, उद्यम करने की शक्ति। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो इनको, न हो फिर किसका है दोष कहो। कुछ भी हो न तजो निस्साधन को, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व कहा, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहा। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठकर अमृत विधान करो, भव रूप रहो, देव रूप रहो भव कानन में, न रहो न निराश करो मन को। याद रखो मेरे भाई, जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अरे मेरे भाई भरोसा तो कर, मैं सच ही बताता हूँ, झूठ तो बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ फकीर योगी की वीरेंद्र योगी, आपका सेवक। आपको प्रेरणा से मैं मुर्दे में जान भरता हूँ, मरा हुआ आदमी मेरी बात सुन के दौड़ने लगता है और दुनिया का स्प्रिंटर 100 मीटर्स में बन जाता है, प्यारे दोस्तों हुसैन बोल्ट बन जाता है। अजागो, आप क्यों सोए हुए हो, शेर हो सोए हुए हो, इसीलिए कमजोर हो। जिस दिन तुम्हारी आत्मविश्वास, तुम्हारा आस्था विश्वास अपने आप में जागेगा, तो तुम शेर की तरह दहाड़ोगे और जो चाहोगे कर लोगे, लेकिन दूसरे से अपनी तुलना नहीं करना, हम अलग हैं। तुम्हारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, सब समान नहीं है, हर अंगुली का अपना महत्व है, लेकिन हर अंगुली अपनी पूरी शक्ति और चुस्ती दुरुस्ती मुस्तैदी से अपना कार्य करती है। करो, अब सुन लो, डर और भय निराशा मनुष्य का महान शत्रु होता है। जब संशय आ जाए, डाउट आ जाए, तो तुम्हारा विनाश तभी हो गया। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। जिन खो जाते इन पाइया गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। प्यारे दोस्तों, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वो घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपार शक्ति कभी जिनके कलेजे को नहीं, सुन, ये कपार शक्ति कभी जिनके कलेजे को नहीं, ऐसा सीना है क्या, ऐसा कलेजा है क्या, 86 इंच का 96 इंच का सीना बनाओ, डर और भय को जीवन से दूर कर दो और तुम कुछ भी कर सकते हो। जन्मे हो महान बन के, वो सोया हुआ जगा उसको, तो सुन लो, ये कपास शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं ना काम रहता है कहीं। अरे भाई भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, अरे यार अभिराज, जब हम पैदा हुए, अब मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ, दोनों थोड़ी गुप्तगू कर लें। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोई, ऐसी करनी कर चले हम हसे जग रोए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, ओ मुकद्दर का सिकंदर, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। मेरी तरह तुम्हारी तरह कायरता को दूर कर, साहस और धैर्य से लक्ष्य निर्धारण कर, कठोर परिश्रम से भागरथी पतन कर, दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना हो कठिन उगताते नहीं, आज की बातों को कल के नहीं छोड़ते, दूसरे की मदद की परवाह नहीं करते, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ हुए, न कभी रुकते न मुड़ते न झुकते, किसी से कुछ मांगते। जागो मेरे भाई, जिंदगी जी लो यार, जानवर की तरह जीना छोड़ दो, कायरता बुजदिल को छोड़ो, दूसरों की तरफ उठा उठा के उसके लिए ताली मत बजाओ, सीने में दम है, काट ठोक के बन के दिखा दो, मिसाल कायम कर दो, मेरी तरह तुम्हारी तरह तेरी तरह, दहाड़ो शेर की तरह।